दिल्ली सरकार में विधायिका और अफसरशाही के बीच विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री अतिशी ने वित्त विभाग द्वारा दिल्ली विधानसभा के बिल स्वीकृत करने में हीला हवाली करने का आरोप लगाते हुए प्रधान वित्त सचिव पर उनके दिए आदेश को न मानने की बात कही। विधानसभा में अपने बयान में मंत्री ने कहा कि बार बार दिल्ली विधानसभा से जुड़े मसलों को कानून विभाग के पास भेजा जा रहा है, जबकि कानून विभाग ने ऐसे किसी भी मसले को उनके पास भेजने के लिए मना किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह दिल्ली विधानसभा से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पूरी विधानसभा के हाउस के सामने रखा गया था कि किस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिल्ली विधानसभा के बिल नहीं क्लियर हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1993 में दिल्ली की विधानसभा पहली बार बैठी थी और 1993 से ही दिल्ली के लोगों को वोट का अधिकार मिला था कि जो लोग इस सदन में बैठते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा। और हमारे संविधान में और पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो लोकतंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश अपनी आज़ादी के लिए उसने लड़ाई करी, तब जाके इस देश के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। दिल्ली के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 1991 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से मिला। और यही कारण है, क्योंकि इस हाउस में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए हमेशा से किसी भी विधानसभा को, किसी भी पार्लियामेंट को हर स्टैट्यूट में, हर कानून में, हर नियम में एक खास स्थान दिया जाता है। दिल्ली में भी ऐसा ही चल रहा था। 1993 से आज तक दिल्ली विधानसभा से जुड़े हुए जो भी वित्तीय मामले थे वो दिल्ली विधानसभा के सचिव के माध्यम से सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाते थे। आज तक कभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज पहली बार दिल्ली का फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने आप को शायद दिल्ली विधानसभा से भी ऊपर समझता है, इस संविधान से भी ऊपर समझता है, और बार बार दिल्ली विधानसभा की जो सारी फाइलें हैं उनको ये लिखकर वापस भेज रहा है कि लॉ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब इस पे बहुत सारे सवाल हैं। अगर लॉ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब ये है कि इतने सालों से जितने फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं उनको जेल जाना चाहिए जो वो ऐसे बिल पास कर रहे थे। इसका मतलब सबने गलती करी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि जो आज के दिन में अफसर बैठे हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो इस दिल्ली विधानसभा के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं और वो बार 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 फाइलों को लॉ डिपार्टमेंट भेज रहे हैं। और लॉ डिपार्टमेंट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, हर बार एक कोई भी फाइल जब उनके पास जाती है वो ये स्पष्ट तौर पर लिखकर दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब 40 से ज्यादा फाइलों पर लॉ डिपार्टमेंट ने बहुत स्पष्ट तौर से लिख के दे दिया है कि दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई कोई भी फाइल लॉ डिपार्टमेंट के पास नहीं आएगी। उन्होंने ये लिख के दे दिया है कि जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है वो दिल्ली विधानसभा पे लागू नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा दिल्ली सरकार का विभाग नहीं है। मेरे पास कई ऐसे कागज हैं जो लॉ डिपार्टमेंट ने कभी चीफ सेक्रेटरी को, कभी सेक्रेटरी को, कभी दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरी को, कभी लॉ मिनिस्टर को लिख के भेजा हुआ है। और मैं एक ऐसे नोट से आपको पढ़ के सुनाना भी चाहूंगी कि लॉ डिपार्टमेंट ने क्या कहा है। लॉ डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पे कहा है, इट हैज ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट बाय दिस डिपार्टमेंट इन वेरियस फाइल्स दैट द प्रपोजल्स ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली आर टू बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली एज पर द सेटल्ड प्रैक्टिस ओवर द ईयर्स एंड नॉट थ्रू द लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट। एक फाइल पे नहीं, दो फाइल पे नहीं, 40 से ज्यादा फाइलों पर लॉ डिपार्टमेंट ने यह लिख के भेज दिया है। लेकिन उसके बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैंने भी बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कई बार डायरेक्शंस दी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्शंस दी हैं कि
लॉ डिपार्टमेंट की एडवाइस को माना जाए। जिस प्रकार से 1993 से लेकर आज तक दिल्ली विधानसभा चलती आई है, जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा के बिल्स क्लियर होते आए हैं, जिस प्रकार से सारी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस चलती आई हैं, उनको लागू किया जाए। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और वहां के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उन्होंने मेरा आदेश मानने से मना कर दिया। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को वेपनाइज कर दिया गया है दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है, उस कानून में अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी अगर मंत्री की बात मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या हो सकता है? जो चुनी हुई सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है। आज अगर आप चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानते हैं तो ये दिल्ली की जनता का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। राष्ट्र सर्वप्रथम